हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज मेरा एक बहुत मोटो है, एक वीडियो बनाने का वो एक रीज़न है, इस वजह से मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ अपना। बहुत अच्छा नहीं लगा यार, मतलब दिल को ना बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा आज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये मतलब एक मेरे दिल की बात नहीं है, ये सभी लोगों की बात है, और सभी लोगों ने मतलब इस पे अपना पूरा सपोर्ट देना है इस बात में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं आप लोग। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ मैंने वीडियो आज क्यों बनाया है। ये देखो, ऐसी हरकतें करके जा रहे हैं जंगल में, बताओ। किसी बंदे के ना बैठने वाला कर रखा है, ना उठने वाला कर रखा है, ना घूमने वाला कर रखा है इन्हें जंगल में। मतलब कैसे ये आप लोग यार, मतलब आते हैं यहाँ लोग बंदे ना, मतलब कैसे गंदगी कर सकते हो यार आप। आप अपने घर में तो होते नहीं देते हो और ना किसी को करने देते हो, बट आप दूसरी जगह आके, दूसरे जंगलों में आके, किसी और के घर में आप कैसे ऐसा कैसे कर सकते हो। ये मतलब एक सोचने वाली बात है कि भाई आप आओ, जंगल है, इंजॉय करने के लिए बना है, आप आइए इंजॉय करिए फुल। मैं तो कह रहा हूँ आप पूरी रात इंजॉय कीजिए, बट उस चीज़ को नुकसान मत पहुँचाइए जो आपको यहाँ पर आश्रय दे रहा है दिन भर, मतलब जो आपको जगह दे रहा है दिन भर बैठने के लिए, बिना कुछ कहे, आपसे कुछ कही भी नहीं रही है मदर नेचर, लेकिन आप फिर भी उसका ऐसा गलत फ़ायदा उठा रहे हो यार। मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना, शेम ऑन यू वाली बात है ये। तो मेरा यार सभी लोगों से, अपने जितने भाई लोग हैं सभी लोगों से मेरा एक बहुत दिल से एक अनुरोध है कि मतलब जहाँ भी आप जाते हैं आप कूड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी आप कूड़ा कीजिए, बट उस कूड़े को लास्ट में एंजॉय होने के बाद, पार्टी आपकी ऑफ होने के बाद, उस कूड़े को आप कम से कम आप फेंक सकते हैं, मतलब उसको डस्टबिन डाल सकते हैं या कहीं पर इकट्ठा करके उसको आप जला दें, कोई इशू नहीं है, बट ऐसे जंगल में ना फैलाएं। अगर जंगल में फैलता है तो यार बहुत नुकसान होता है, ये आपको मतलब मालूम नहीं चलेगा, लेकिन ये कुछ समय बाद आपको दिखने लग जाएगा धीरे धीरे करके इसका असर। तो गाइस प्लीज़ यार, इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको फॉरवर्ड कीजिए। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं जॉगिंग के लिए आया हुआ था घूमने के लिए, और देखा तो यार यहाँ पर को बिल्कुल सीनरी, बिल्कुल माहौल बिल्कुल चेंज हो गया अचानक से ही, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम यहाँ साफ सफाई करके गए। अब वॉलंटियर्स रोज़ रोज़ कैसे आएंगे बताइए आप, कहाँ से आएंगे वॉलंटियर्स रोज़ रोज़, और अकेला बंदा कब तक करेगा इसको। जहाँ तक हो सकता था हम तो करते हैं भैया, मैं तो करता रहूँगा, आगे को भी करता रहूँगा इस चीज़ को, बट ये कि आप लोग कब तक समझेंगे इस बात को। सवाल ये है कि आप इस बात को कब तक समझेंगे कि यार हम भी किसी के घर पर जा रहे हैं और हम वहाँ कूड़ा कर रहे हैं। मतलब कैसे कोई कैसे सहन कर सकता है यार, कोई भी सहन नहीं कर सकता इस चीज़ को। अब जंगली जानवर आपसे कैसे बोलेगा कि यार मेरे घर पर आके गंदगी मत करो आप, ये बात तो आपको खुद समझनी पड़ेगी ना। तो इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं यार, और सभी लोग सोचें इस बारे में कि यार हमने कभी जंगल जाना है, कभी जंगल जाना होता है तो भाई गंदगी ना करें यार उधर। गुड, शी, जंगल में डस्टबिन ऐसे ही होता है। ये देखो भैया, ये है हमारे यहाँ के जंगलों के हाल। इनके घर में कोई कूड़ा कर दे तो ये भयंकर केस कर देंगे, पुलिस केस, मगर जंगल में आके देखो इनके हरकतें। ये देखो, ये है सबसे ब्यूटीफुल जगह के नज़ारे, ये देखो। अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर सफाई करी है, कुछ दिन पहले हमने सफाई करके यहाँ से गए हुए थे, और हमने सारा कूड़ा वहाँ उधर, एक उधर वाले में और एक उधर वाले में गड्ढे में हमने बोतलें जो थी वो डाली हुई थी, बट किसी ने वो बोतलें सब बाहर निकाल दी है और फिर से वही गंदगी का माहौल कर दिया इधर। लुक एट दिस भाई, रोज़ आता हूँ मैं, रोज़ सफाई करता हूँ इस जगह पे, लेकिन कहानी हर दूसरे तीसरे दिन की वही रहती है। ये देखो यार कितनी ब्यूटीफुल जगह है, इतनी ब्यूटीफुल जगह को आगे भी तुम कैसे गंदा कर सकते हो यार, कैसे। ये देखो, ये है हमारे जंगलों की कंडीशन। चलो हम सब कूड़ा उठाएंगे सारा, आप गंदगी करते करते नहीं सुधरोगे तो हम सफाई करते करते नहीं सुधरेंगे, एक ना एक दिन तुम भी सुधर जाओगे और एक दिन, एक ना एक दिन हम भी बदल जाएंगे।
सब जगह गिलासें गिलासें हो रखी हैं, सारे गिलास और सारा जितना है सब मटेरियल सब उठा दो। तो आज वॉलंटियर्स की जगह पर मैं अपनी एक छोटी लड़की को और एक बड़ी वाली लड़की को लेकर आया था यहाँ। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं आज के, और इन्होंने फ़िलहाल 90% तो साफ़ कर ही दिया है। तो यार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यार यहाँ पर गंदगी ना करें। यार आप आएँ, खाएं, पिएं, रात भर पड़े रहें, मुझे कोई इशू नहीं है, हमको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि जिस दिन आप गंदगी करते हो उस दिन आप अपना कूड़ा सारा ले जाके एक थैले में कहीं पर डस्टबिन में डाल दो या कहीं पर जला दो उसे। ये जो फैला हुआ कूड़ा है ना, ना तो ये देखने में अच्छा लगता है, ना ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया है, और ना ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बढ़िया है। सो गाइस एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यार इस जंगल को यार साफ रखने में पूरी अपनी मदद करें, पूरा प्रयास करें, जितना हो सकता है जंगल को साफ सफाई, मतलब जितना हो सकता है आप इस जंगल को साफ सुथरा रखने का मतलब पूरा एक प्रयास कर सकते हैं यार। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको फिर अगले वाले व्लॉग में। तब तक के लिए फिर वही पुरानी सलाम, नमस्ते, राम राम, नमस्कार, पैलाक।